मैंने कहा था ना पाली, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे सुरक्षा कवच की वजह से सिवाय मेरे यहाँ किसी का जादू नहीं चलेगा। अब तुम इस ऊर्जा को मुझ तक आने से कैसे रोकोगे बालवी? बालवीर का जादू भयानक लोक में नहीं चल रहा है। लगता है इस जादुई कवच के कारण भयानक लोक में बालवीर की शक्तियां काम नहीं कर रही है। रानी परी, रानी परी, हमें तो बालवीर की बहुत चिंता हो रही है। हाँ रानी परी, बालवीर भयानक लोक पहुंच तो गया है, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि इस वक्त वो शक्तिहीन है। और शक्तिहीन बालवीर शक्तिशाली भयंकर परी के सामने ऐसा है जैसे हाथी के सामने छोटी सी चींटी। हमें हमारे बालवीर पर पूरा भरोसा है, और आप सभी ये मत भूलिए कि चींटी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर वो हाथी की सूंड में घुस जाए तो बस कुछ ही पलों में उसे धराशायी कर सकती है। सुन लो भयंकर परी, मैं बिना शक्ति के भी तुम्हारे साथ युद्ध कर सकता हूं। मैं जानता था कि तुम एक वीर योद्धा नहीं बल्कि कायर और डरपोक हो, और कुछ ऐसा ही करोगे। इसलिए इस बार मैं अच्छाई की तरकस में और भी तीर डालकर लाया हूं। इस बार तुम्हारे ही बनाए हुए हथियार से मैं तुम्हारा अंत करूंगा भयंकर परी। जहाँ ताजमहल, जल महल और कुतुब मीनार गए हैं, वहीं बालवीर भी। मानो मैं जाने से पहले तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। ये क्या है बालवीर, और तुम हमें ये क्यों दे रहे हो? मानो तुम्हारे बुलाने पर वो सारे स्मारक वापस नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारा जादू वहाँ पर नहीं चला, और हो सकता है मेरे वहाँ जाने पर मेरा भी जादू वहाँ पर ना चले। और मानो अगर ऐसा हुआ तो उस बुरी शक्ति को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तुम हमसे क्या चाहते हो बालवीर? तुम्हारी मदद मानो मैं इस चलचित्र दिखाओ यंत्र से तुम वहाँ का, जहाँ मैं जाऊंगा, पूरा नजारा देख सकते हो और मेरी बातें भी सुन सकते हो। मानो अगर मेरा जादू वहां पर नहीं चला तो तुम यहाँ से अपने जादू से मेरी मदद करोगे, और जैसा मैं बोलूंगा बिल्कुल वैसा ही सुनकर कहोगे, और जैसे ही तुम कहोगे तुम्हारी बात सच हो जाएगी, और इस तरह हम दोनों मिलकर उस बुरी शक्ति को हराएंगे। हाँ बालवीर, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हम दिखा देंगे इस बुरी परी को कि अब बालवीर अकेला नहीं है, बल्कि हम बच्चे भी बालवीर के साथ हैं। हम उसे इस बार ऐसी धूल चटाएंगे कि वो हमें परेशान करने की सोच भी नहीं सकती। बहुत अच्छे मानो मैं। तो मानो अब जल्द से जल्द कहो कि मैं भी उस स्मारकों के पास पहुंच जाऊं, वरना अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो वो बुरी शक्ति जीत जाएगी। अरे ऐसे कैसे जीत जाएगी वो बुरी शक्ति? बालवीर अभी की अभी गायब हुए ऐतिहासिक स्मारक के पास पहुंच जाए। मानो तुम मुझे देख और सुन पा रहे हो ना? हाँ बालवीर, हम तुम्हें देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। बोलो मुझे क्या कहना है इस भयंकर परी को हराने के लिए? मुझे तो इस भयंकर परी को देखकर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं इसे। मानव, बालवीर हमें जो बोलेगा हमें सिर्फ वही करना है, और अगर तूने खुद कुछ किया ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। क्या हुआ बालवीर,
अब कैसे रोकोगे मुझे? अफसोस, यहां तो कोई तुम्हारी मदद के लिए भी नहीं आ सकता। अब कुछ ही देर में ये ऊर्जा मुझ में समा जाएगी। मानव, हमें भयंकर परी को शक्तिशाली ऊर्जा हासिल करने से रोकने के लिए भूलभुलैया बनाना होगा, और इसीलिए तुम जल्द से जल्द भयंकर परी और उस शक्तिशाली ऊर्जा के बीच में एक ऐसा भूलभुलैया बना दो जो सारी शक्ति अपने अंदर समा ले। ठीक है, मैं भूलभुलैया बनाता हूँ, लेकिन मेहर छोटा भूलभुलैया बनाओ या बड़ा? अरे बड़ा, लेकिन मेहर बड़ा भूलभुलैया बनाऊंगा तो उसे एकदम से पता चल जाएगा। अरे मानव, तू वो मत सोच, बस एक बड़ा सा भूलभुलैया बना। अरे ऐसे कैसे, मैं बालवीर से ही पूछता हूँ। हाँ। अरे मानव, हमारे पास उतना समय नहीं है, देख नहीं रहा है वो ऊर्जा भयंकर परी के पास पहुँचती जा रही है। मानव बोल। हाँ हाँ, तो ऐसा जादुई भूलभुलैया बन जाए इस ऊर्जा और भयंकर परी के बीच कि पहले वो छोटा हो और जैसे जैसे उसमें ऊर्जा समाती जाए वो बड़ा हो जाए, और जैसे ही ऊर्जा उसमें समा जाए वो फिर से छोटा हो जाए। बालवीर ने अपना कमाल दिखा दिया है परियों, और इस शक्तिशाली ऊर्जा को भयंकर परी तक पहुंचने से रोक लिया। यस, शाबाश मानव। अब है ये क्या बना? जो भी है, मुझ तक ऊर्जा पहुंचने में बाधा बनी हुई है, मगर ये यहां आया कैसे? यहाँ तो मेरे अलावा और किसी का जादू चलना नहीं चाहिए। भयंकर परी, बुराई की सोच जहाँ खत्म होती है वहां से अच्छाई की सोच शुरू होती है, और अभी तो ये सिर्फ मेरा पहला ही कदम है, आगे आगे देखो होता है क्या। देखोगे तो तुम और तुम्हारी वो परियां उस तबाही को जो मैं मचाऊंगी। बालवीर, बंद कीजिए खयाली पुलाव पकाना परी भयंकर, और सोचिए कोई युक्ति इस ऊर्जा शक्ति को पाने की। वो तो अब तुम कर नहीं पाओगी भयंकर परी, क्योंकि सच्चाई के एक नहीं बल्कि अनेक हाथ होते हैं। तुम एक कोशिश करोगी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तो मैं अनेक हाथों से उसे रोकूंगा। नहीं बालवीर, इस बार मैं तुम्हें अपने स्तर पर शक्तिशाली होने में बाधा नहीं बनने दूंगी। और एक तो क्या, अगर तुम्हारी मदद के लिए तो आप भी उठेंगे तो मैं उन्हें भी नष्ट कर दूंगी। मेहर, बालवीर की मदद तो हमारे हाथ कर रहे हैं, तो अब क्या भयंकर परी? मानव, बालवीर है ना, उसके होते हुए हम पर कोई हाथ तो क्या आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वहाँ भयानक लोक में बालवीर भयंकर परी से कैसे मुकाबला कर रहा है? बहुत समझदार है हमारा बालवीर भटकाती परी, वो भयंकर परी को उसी के बनाए हुए हथियारों से मात दे रहा है। यानी बालवीर भी मानव के जादू के द्वारा वहां पहुंचा है, और अभी भी बालवीर भयंकर परी को हराने के लिए मानव से मदद ले रहा है। हाँ, बालवीर ने बहुत ही बुद्धिमानी से उस शक्तिशाली ऊर्जा को एक भूलभुलैया में कैद कर लिया है, ताकि वो ऊर्जा कहीं और ना जाए और भूलभुलैया में ही घूमती रहे।
बालवीर ने ये साबित कर दिया कि युद्ध केवल ताकत से नहीं बुद्धिमानी से भी जीता जा सकता है, और उस बुद्धि के बल पर एक चीटी भी हाथी को मात दे सकती है। मानव, भयंकर परी का वार उस भूलभुलैया को नहीं लगना चाहिए, इसलिए उस भूलभुलैया के आगे जल्द से जल्द एक दीवार बना दो। हाँ हाँ बालवीर, अभी करता हूँ। भयंकर परी का वार रोकने के लिए भूलभुलैया के सामने एक दीवार बन जाए। ठीक से बोलना, वरना वो भूलभुलैया नष्ट हो जाएगा और बालवीर की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे खराब हो जाएगी? बन जाए भयंकर परी का वार रोकने के लिए भूलभुलैया के सामने दीवार, जिससे भयंकर परी का वार हर बार टकराए उसी पर। थे अपना जूता और अपना हिस्सा। तुम्हारा पहला वार भले ही कामयाब हो गया हो बालवीर, मगर युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ। तुमने सारी ऊर्जा शक्ति इस भूल भुलैया में कैद की है ना? ठीक, तो अब मैं इसे ही हासिल करूंगी। ऊर्जा शक्ति बालवीर ने परी भयंकर। तुम ये ऊर्जा कभी प्राप्त नहीं कर पाओगी भयंकर परी, क्योंकि तुम्हारे बुराई के पंखों की उड़ान मेरे सच्चाई और अच्छाई की इरादों की उड़ान से बहुत धीमी है। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि बालवीर ने जिस भूल भुलैया में शक्तिशाली ऊर्जा को कैद किया है, उसे उसने हासिल कर लिया। मान गए बालवीर। परी भयंकर, इस बार तो था मुझे यकीन पूरे 99% कि यहाँ भयानक रूप में आकर आपको कोई नहीं हरा सकता इस बार। लेकिन इस बालवीर ने आपकी बची हुई 1% संभावना को बदल दिया पूरे 100% में कि होगा आज भी आपका ही सत्यानाश। नहीं तोबा तोबा, भयानक लोक में बिन बुलाए मेहमानों के स्वागत के लिए हमने खास तैयारी की, इसलिए तुम्हारा स्वागत फूलों से नहीं बालवीर, बल्कि तीरों से होगा। मेरे तीरों की सेना,
मैं तुम्हारी रानी भयंकर परी तुम्हें आदेश देती हूँ कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन बालवीर पर आक्रमण करो। बालवीर के ऊपर तीरों की बारिश कर दी। हाँ महर, इस बार बालवीर तो सचमुच फंस गया। नहीं, हमारे होते हुए हमारे बीबीबी को कुछ नहीं हो सकता। हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। पर क्या? वो हमें बालवीर बताएगा। भयंकर परी ने बालवीर पर वार करने के लिए अपनी जादुई तीरों की सेना भेजी। क्या? क्या? अब क्या होगा रानी परी? मानव जल्दी कुछ कर। पर मैं क्या करूं? हाँ, तू एक काम कर, तीरों को मोड़ दे। पर तीरों को मोड़ के क्या होगा? मुड़े हुए तीर बालवीर को लगेगी ना। अरे मेरा मतलब है तीरों का रास्ता मोड़ दे। पर किस तरफ मोड़ू? राइट ये ले। मानो मुझे इन तीरों से बचने के लिए कवच चाहिए। कवच? ये कवच क्या होता है मेहर? कवच 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 मुझे नहीं पता। तो फिर हम बालवीर से ही पता करें। मानव, हमें जो भी करना होगा वो जल्दी करना होगा। देख, तीर बालवीर के पास पहुंच ही रहे हैं। लगने वाले हैं बालवीर को। तो अब मैं क्या करूं? हाँ, बालवीर के सामने मजबूत लोहे की ढाल बना देता हूँ। हाँ, तुझे जो करना है जल्दी कर, तीर लगने वाले हैं बालवीर को। और इसी के साथ ही बिन बुलाए मेहमानों के स्वागत का कार्यक्रम मेहमान के साथ समाप्त हुआ। तौबा तौबा, अगले कार्यक्रम की तैयारी करो। ये रानी परी भयंकर क्यों नहीं? जय हो रानी परी भयंकर की जय हो। क्या हुआ रानी परी? बालवीर ठीक तो है ना? बताइए ना रानी परी, बालवीर को कुछ हुआ तो नहीं? आप चुप क्यों है रानी परी? कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? हाँ रानी परी, कुछ तो कहिए। बालवीर ठीक है। हाँ महर, अगर हम एक सेकंड भी लेट हो जाते ना तो आज। मानव प्लीज, अब से बुरा मत सोच और बुरा मत बोल, ओके? अब सिर्फ इस बात पे ध्यान दे कि अब से हमसे कोई देर या गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। एक पल के लिए हमें लगा था कि हमने बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है,
लेकिन हमें खुशी है कि बालवीर ठीक है और बिल्कुल सुरक्षित है। बस भयंकर परी, इसमें ही तीर है तुम्हारी बुराई की तरकस में। आज चाहे तुम कुछ भी कर लो भयंकर परी, फिर भी मैं तुम्हें ये ऊर्जा शक्ति ग्रहण करने नहीं दूंगा। तो आज देख ही लेते हैं बालवीर कि तुम्हारे इरादों में ज्यादा दम है या मेरे हथियारों में। बालवीर पे मिसाइल से अटैक करेगी। आज भयानक लोक में भयंकर परी की जीत की दीवारी बनेगी बालवीर। हाँ। जितनी आतिशबाजियां करनी हो कर लो भयंकर परी, क्योंकि यहाँ हर धमाके के साथ सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बुराई के ही परखचे उड़ेंगे। मेरे ये अग्निमुखी यंत्र ना तो तुम्हारे लिए है और ना ही मेरे लिए, ये तो इन स्मारकों के लिए। जब इनकी ऊर्जा शक्ति मुझे मिल ही नहीं पाई तो ये मेरे किस काम के? मेरे अगले ही आदेश पर ये अग्निमुखी यंत्र इन स्मारकों पर वार करके इनका अस्तित्व को मिटा देंगे बालवीर। तूने ताजमहल, जल महल और कुतुब मीनार सब टूट जाएंगे और फिर हम उन्हें वापस कभी नहीं देख पाएंगे। मानव तू चिंता मत कर, बालवीर है ना वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। इनको बचाने के लिए भी वो कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेगा और हमें बताएगा। बालवीर किससे बात कर रहा है? जरूर इसके कड़े में कुछ है। इस कड़े की मदद से तुम अपने साथियों से सहारा लेकर मेरा मुकाबला कर रहे थे, मगर ये कड़ा तो मैंने नष्ट कर दिया। अब कैसे रोकोगे इन बारूद से भरे अग्निमुखी यंत्रों को बिना अपने जादू के? हाँ। बोलो बालवीर, हमारी आवाज सुनाई दे रही है? बालवीर, बालवीर बोलो, मुझे क्या कहना है? अब बालवीर की आवाज हम तक नहीं पहुंचेगी मानव, क्योंकि उस भयंकर परी ने बालवीर का कड़ा तोड़ दिया है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है? अब हम कैसे रोकेंगे इस मिसाइल्स के अटैक को? ओ गॉड, अब हम हार गए मेहर, हार गए। बालवीर का सारा प्लान फेल हो गया।
आगे बढ़ो मेरे अग्निमुखी यंत्र और तबाह कर दो इन ऐतिहासिक स्मारकों को। मैं बिना मानव के इन स्मारकों को मिटने से नहीं रोक सकता और मानव तक अब मेरी आवाज भी नहीं पहुंच सकती। अब क्या करूं, कैसे बचाऊं इन स्मारकों को? अब क्या करें मेहर, मिसेज तो ताजमहल और बाकी स्मारकों से टकराने वाली है और बालवीर की आवाज भी हम तक नहीं पहुंच रही है। कुछ तो करना ही पड़ेगा और वो भी जल्दी, वरना हम ताजमहल, जल महल, कुतुब मीनार को नहीं बचा पाएंगे और बालवीर उस बुरी परी से हार जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उस बुरी परी को कभी जीतने नहीं दूंगा बालवीर से। पर हम उसे रोकेंगे कैसे? हम कुछ नहीं कर पा रहे और बालवीर का जादू भी नहीं चल रहा है। काश बालवीर का जादू वहां चल रहा होता। मानव, बालवीर का जादू चल रहा होता नहीं, अब चलेगा, ऐसा बोल। अरे हाँ, बालवीर का जादू वहां चलने लगे। ये क्या, वो मिसाइल तो अभी भी उन स्मारकों की तरफ बढ़ रही है। लगता है तेरा जादू नहीं चल रहा है मानव। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने तेरे सामने बोला ना। हाँ, पर अगर तेरा जादू चल रहा होता तो अभी तक बालवीर ने अपने जादू से इन मिसाइल्स को रोक लिया होता। आज हमारी वजह से उसकी हार होगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बालवीर जीतेगा और वो बुरी परी हारेगी। तू देखना, अभी के अभी वहाँ बालवीर का जादू चलने लगेगा। मेरा जादूरन जागृत हो गया, यानी अब मेरा जादू भयानक लोक में चल सकता है। ये जरूर मानव ने किया होगा। शाबाश मानव। साथी मरी, बुराई को हरा दो, मारकों को बचा लो, शक्ति से अपनी इन अग्नि मुख्य अस्त्रों को अटका दो। ये कैसे हो सकता है, बालवीर का जादू डंड यहाँ कैसे चल रहा है? असंभव है। कौन है जो इसकी मदद कर रहा है? असंभव तो बुराई की जीत है भयंकर परी। अच्छाई और सच्चाई के लिए तो सब संभव है, और अब जो असंभव होगा वो होगा तुम्हारा मुझसे बचना भयंकर परी। अरे भागो! हे अग्निमुखी अस्त्रों, जाओ जाओ और इस भयंकर परी का विनाश कर दो, विनाश कर दो। बालवीर भयंकर परी को हराने में कामयाब हो गया है और भयंकर परी बालवीर से डरकर भयानक लोग छोड़कर भाग गई। रानी परी, सारे ऐतिहासिक स्मारक वो तो सुरक्षित है ना? जी हाँ, आज की ये जीत मानो और मेहर की सूझबूझ और सच्चाई पे विश्वास की वजह से हुई। मैं इन ऐतिहासिक स्मारकों को वापस अपनी जगह पर पहुंचाकर मानो और मेहर को रानी परी से इसका सम्मान
और इनाम दोनों दिलवाऊंगा। थैंक यू बालवीर, अगर तुम नहीं होते तो मेरी वजह से जो सारे ऐतिहासिक स्मारक गायब हुए थे वो कभी वापस नहीं आ पाते। बात तो तेरी भी सही है मानव, पर तूने भी जो समझदारी दिखाई है वो भी कोई मामूली बात नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू मानव, तू वर्ल्ड का बेस्ट भाई है। बात तो तेरी भी सही है मैर। और मैर सच कहूं तो तेरे बिना भी मैं कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए तू भी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बहन है। तो चल कहाँ? कहाँ मतलब? अरे घर, मम्मी पापा को बताते हैं कि कैसे हमने और बालवीर ने सारे ऐतिहासिक स्मारक वापस लाए हैं। चल चल। बिना रानी परी की शक्तियों के मैं इन ऐतिहासिक स्मारकों को उनकी असली जगह पर नहीं पहुंचा पाऊंगा, और रानी परी को यहाँ लाने के लिए मुझे सबसे पहले ये सुरक्षा कवच हटाना होगा। बालवीर, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। बालवीर, लेकिन माँ परियों, आप सब इस सुरक्षा कवच के होते हुए भयानक लोक में कैसे आ गए? भयंकर परी के यहाँ से चले जाने के बाद उसका बनाया हुआ कवच भी हट गया और हम सब यहाँ आ गए। और बालवीर, हम सब बहुत ही खुश है आपने अपने साहस और चतुराई से इन स्मारकों को भयंकर परी से बचा लिया। शाबाश बालवीर। माँ, ये स्मारक मेरे देश की शान और मैं अपने देश की शान इस स्मारकों को कैसे कुछ होने दे सकता था? लेकिन आपका कार्य अभी तक खत्म नहीं हुआ बालवीर। हाँ बालवीर, अभी इन स्मारकों को इनके सही स्थान पर भेजना बाकी है। लेकिन उससे पहले तुम्हें इन स्मारकों को इनकी ऊर्जा लौटानी होगी। जी नटखट परी। करके इन ऐतिहासिक स्मारकों को उनकी असली जगह पर पहुंचा दीजिए। हमारे तीन तीन ऐतिहासिक स्मारक गायब हो गए हैं, पर उन्हें कौन ले गया, वो कहाँ हैं, वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, इनका जवाब किसी के पास नहीं। उल्टा तो ऐसा लगने लगा है जैसे कि हमारे ताजमहल, कुतुब मीनार और जल महल कभी वापस आएंगे भी या नहीं। अब तो इन तीनों स्मारकों के वापस आने पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। हमें बालवीर से उम्मीदें थी कि वो देश का सर दुनिया के सामने झुकने नहीं देगा, लेकिन लगता है इस बार बालवीर भी देश के गौरव इन स्मारकों को बचा नहीं पाएगा। लेकिन बालवीर पर हमारा भरोसा अभी भी कायम है। हाँ, बालवीर जरूर उन स्मारकों को वापस लेकर आएगा। तो चलते हैं हमारे संवाददाता के पास जो वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी ताजमहल हुआ करता था। ये देखिए, ये है वो जगह जहाँ कभी भारत की शान ताजमहल खड़ा हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ खामोशी है जो इस बात को बयां कर रही है कि हमारे देश का इतिहास आज खतरे में। ब्रेकिंग न्यूज़, ताजमहल वापस आ गया है।
अभी अभी खबर मिली है कि ताजमहल वापस आ गया है, क्या जलमहल भी? जी हाँ, जलमहल भी वापस आ गया है, जिस तरह से गया था उस तरह से वापस लौट आया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कुतुब मीनार भी वापस लौट आया है और हमारे देश का झुका हुआ सर फिर से उसी मान और सम्मान से ऊंचा उठ गया है जैसा कि वो पहले था। हमें तो बालवीर पर पहले से यकीन था कि उनके होते हुए हमें कोई खतरा हो ही नहीं सकता। थैंक यू बालवीर, आपने जो कहा वो कर दिखाया। तो देखा आप लोगों ने कि हमारे देश के ऐतिहासिक स्मारक वापस लौट आए हैं और अगर ये मुमकिन हुआ है तो सिर्फ बालवीर की वजह से। तो एक बार पूरे देश की तरफ से थैंक यू बालवीर। बापूजी थैंक यू, यू आर ऑलवेज वेलकम। अरे मेरा मतलब है कि कितनी जल्दी बदल जाते हैं ये न्यूज वाले। अभी थोड़ी देर पहले बालवीर पे भरोसा नहीं था और अब बालवीर के लिए थैंक यू। हाँ तो ये न्यूज वाले तेरे बापूजी की तरह नहीं है जो एक ही बात पे अटक जाते हैं। चलो अंत भला तो सब भला, मैं तो कहता हूँ जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, कम से कम हमारे देश की धरोहर समाप्त होने से तो बच गई। हाँ और ये सिर्फ और सिर्फ बालवीर की वजह से हुआ है। गलत, हाँ बिल्कुल गलत। बालवीर ने सब कुछ अकेले नहीं किया है बल्कि हम भी बालवीर के साथ जादू से जादू मिलकर। मतलब कंधे से कंधा मिलाकर इन ऐतिहासिक स्मारकों को वापस लाए हैं। क्या? क्या? रानी परी मुझे जल्द से जल्द मानव के पास जाना होगा वरना वो पूरे परिवार वालों को सच बता देगा। हाँ रानी परी, अभी तक मानव पर से पूरा जादू उतरा नहीं है। और अगर ऐसे में उसने कुछ बोल दिया और वो बात सच हो गई फिर तो उन्हें उसकी बात पर विश्वास हो जाएगा। हम जानते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। और बालवी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम मानव पे हुए जादू को यहीं से खींच लेंगे और उस पर ऐसा जादू करेंगे कि उसे इसके बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। क्या बोल रहे मानव? महर, तू भी इसमें मानव के साथ शामिल हो गए? तुम दोनों झूठ कब से बोलने लगे? 3-4 दिन पहले। मेरा मतलब है 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मानव महर के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 3-4 दिन से मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब कुछ सच हो रहा है। तो एक काम कर, तू बोल कि तेरी दादी की अंग्रेजी सही हो जाए। दादाजी, इस जादू का इस्तेमाल हमें अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, तो बोलो कि बापूजी घोड़ा बन जाए ताकि जब भी मैं इनके पीठ पे घोड़ा घोड़ा खेलने जाऊँ तो ये मना न करे। मना न करे नहीं, मना कर रहा हूँ। आप सब हम पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे विश्वास करें? अब तुम ये कहोगे कि बालवीर वही करता है जो मानव कहता है तो हम लोग मान लेंगे। नहीं। लो सुमिता, बच्चे मान गए। नहीं पापा, सच ये है कि जो बालवीर ने मुझे बोलने को कहा वो मैंने बोला और वो सच हो गया और सारे ऐतिहासिक स्मारक वापस आ गए। ये सब तुम्हारी दादी के वजह से हो रहा है। लो, मैंने कहा कोई जादू किया? अगर मुझे जादू आता तो पहले मैं आपका ये अटकना बंद नहीं करती। नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुम जो बच्चों को रात को वो परियों की कहानियां सुनाती हो ना उसके वजह से ये ऐसे सपने देखते हैं और फिर ऐसा उल्टा सीधा सोचते हैं। से बन कौन माँ? नहीं तो सपने देखना? नहीं तो सोना? नहीं, ये कहानियां सुनाना बंद। यहाँ हम आपको एक सच बात बता रहे और आप उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है और ऊपर से आप हमारी कहानियां सुनना भी बंद करवाना चाहते हो। हाँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मानव, तुझे कहा था ना कि तू कुछ नहीं बोलेगा? नहीं, मैं इन्हें सबूत चाहिए ना कि मैं जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है। तो ठीक है, मैं इन्हें अभी दिखाता हूँ। हाँ, तू जो बोलेगा वो सच हो जाएगा तो हम तेरी बात पर विश्वास करेंगे। हाँ, तो बोलो बापूजी घोड़ा बन जाए। घोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं,
एक काम कर, तू बोल कि दादाजी सलमान खान बन जाए। तुम लोग चिंता मत करो, ये जो बोलेगा वो थोड़ी होने वाला है। बोल बोल बोल, दादाजी सलमान खान बन जाए, बोल। दादाजी प्लीज, अब मानव को उकसाओ मत। नहीं नहीं, अब तो बनने ही दो बापूजी को। क्या सलमान खान? नहीं नहीं, वो टिक टिक वाला घोड़ा घोड़ा। तो ठीक है, मैं अभी दादाजी को घोड़ा बना देता हूँ। रानी परी, अब तक मानव के ऊपर से पूरी तरह जादू उतरा नहीं है, कहीं मानव ने बोल दिया तो दादाजी हमेशा हमेशा के लिए घोड़े बन जाएंगे। मानव देख, तू कुछ नहीं बोलेगा। नहीं मेहर, ने सबूत चाहिए ना। तो ठीक है, दादाजी घोड़ा बन जाए। मानव, ये तूने क्या कह दिया? बापूजी तो सही है। तू घोड़ा कौन बना? मजा आया, मजा आया, मजा आया। थैंक गॉड, जादू नहीं हुआ। ये पर क्यों? लगता है जादू मेरे ऊपर से हट गया। चलो अच्छा है, समय रहते मानव पर से पूरा जादू निकल गया। जादू भी हट गया और मेहर और मानव को अब कुछ याद भी नहीं। देखा मानव, मेहर कुछ भी नहीं हुआ। पर होना क्या था मम्मी? अरे बाबूजी को घोड़ा बनना था। क्या दादाजी आप घोड़ा बनने वाले थे? बनने वाला नहीं था बेटा, ये मानव मुझे बनाने वाला था। हाँ तो मानव ने बनाया ना। क्या उल्लू? अब मेरा मतलब है कि हम सबको उल्लू बनाया ना। देखो हम इन बच्चों की बातों में कैसे आ गए। मैं क्यों बनाऊंगा दादाजी को घोड़ा? क्या हो क्या गए आप लोगों को? और आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा, हम ऐसी बातें कर रहे हैं? तो क्या हम कर रहे हैं? मानव चल पढ़ाई करने चलते हैं, कल स्कूल में हिस्ट्री में वो कुतुब मीनार और ताजमहल के बारे में क्वेश्चंस भी तो पूछने वाले हैं सर, है ना? चल। मानव के ऊपर चढ़ा हुआ जादू तो खत्म हो गया रानी परी। हाँ, और ऐतिहासिक स्मारक की उलझन भी सही समय सुलझ गई। हाँ, लेकिन ये उलझन जिनकी वजह से शुरू हुई है, नाराज परी और ताराज परी, उनका फैसला अभी होना बाकी है। उन दोनों को हमें बताना होगा कि क्यों उन्होंने अपना जादू मानव पर करके भयंकर परी की मदद की। बताइए नाराज तराज परी, क्या वजह थी कि आप हमारे खिलाफ भयंकर परी की मदद कर रही थी? क्या वजह थी कि आपने परी लोग और हम सभी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? नहीं रानी परी, हमने परी और परी लोग के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। नाराज तराज परी, अगर आप दोनों ने विश्वासघात नहीं किया है तो आप हमें ये बताएं कि आप दोनों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग भयंकर परी की मदद के लिए क्यों किया? बाल परी, ना ही हम भयंकर परी के साथी हैं और ना ही हम उसकी कोई मदद कर रहे थे। नहीं नाराज तराज परी, आपका मानव पर अपना जादू करना और भयानक लोग जाने की कोशिश करना ये सिद्ध करता है कि आप भयंकर परी की मदद कर रही थी। हमें याद है नाराज तराज परी, आप दोनों भयंकर परी से जादुई कुंड में बात कर रहे हैं और हमारे पूछने पर आपने हमसे ये झूठ कहा कि वो जादुई कुंड खराब है, जबकि वो जादुई कुंड बिल्कुल सही से काम कर रहा था। इससे पहले कि हम आप दोनों को आपकी सजा सुनाएं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? रानी परी, कुछ भी बोलने का क्या फायदा? आप सब तो ये मान ही चुके हैं कि हम दोनों विश्वासघाती हैं, इसलिए अब हम कुछ भी कहेंगे तो आप यही मानेंगे कि हम मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं आपको और आप हमारा यकीन नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहती है नाराज परी, कि हम सब परियों ने जो देखा वो सब गलत है? नहीं, लेकिन कई बार आंखों देखा कानों सुना,
गलत हो सकता है अटकाती परी, तो सिद्ध कीजिए कि हम सब गलत है। बताइए ना राज परी कि सच क्या है। सच ये है कि मानव पे हमारा जादू था। जादू एक पुन भी खराब नहीं था, और ये भी सच है कि हम भयानक लोग जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस सब के पीछे क्या कारण है ये आप सब लोग नहीं जानते, लेकिन सच यही कि ये सब कुछ भयंकर परी का किया धरा है। जिस दिन हमें हमारी शक्तियां मिली थी उसी रात भयंकर परी ने तौबा तौबा के द्वारा हमारे जादुई डंड चुरा लिए थे। अगर ऐसा था तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि हम डर गए, हमें समझ ही नहीं आया कि हम ये रानी परी को कैसे बताएं। हाँ, इसीलिए हम अपने जादुई डंड उस जादुई कुंड में ढूंढने गए, और वहां जाकर हमें पता चला कि हमारे जादुई डंड भयंकर परी के पास है, और उसने हमारी शक्तियां मानव पे इस्तेमाल की। इसीलिए हम और भी डर गए थे, और हमने उस दिन बाल परी और नटखट परी से झूठ कह दिया कि जादुई कुंड खराब है। हम नहीं मानते आपकी ये बात, क्योंकि जिस दिन हम आपसे मिले थे आपके जादुई दंड आपके पास ही थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन उस दिन आपने हमारे हाथ में जो दंड देखे थे वो नकली थे, और जब हमें हमारे असली दंड मिले तो उसमें से भी आधी शक्तियां गायब थी रानी परी। क्या आपको अंदाजा है नाराज तराज परी कि आपकी एक गलती से पृथ्वी लोक को कितना बड़ा नुकसान पहुंचने वाला था? हम जानते हैं, और इसीलिए हम दोनों अपने प्राणों की परवाह किए बिना भयंकर परी से युद्ध करके अपनी शक्तियां और स्मारकों को बचाने के लिए भयानक लोग जा रहे हैं। लेकिन हम कवच की वजह से अंदर ना जा सके, और उसी वक्त आप सारी परियां वहां पर आ गई और हमें पकड़ ली। आप भले ही विश्वासघाती ना हो नाराज तराज परी, लेकिन आप दोनों अपनी शक्तियों को संभालने के काबिल नहीं है। लेकिन हमें शक्तियां दूसरों की सुरक्षा के लिए मिली है, आपकी शक्तियां तो विनाश का कारण बन रही थी। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई, लेकिन रानी परी विनाश हुआ तो नहीं है ना? लेकिन हो तो सकता था नाराज सराज परी। शक्तियों के साथ साथ हमारे पास जिम्मेदारियां भी आती हैं, और हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप दोनों अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में बिल्कुल असफल रही हैं। इसीलिए हमारा ये आदेश है कि आप दोनों से आपकी शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए वापस ले ली जाए। विराम। अब ये है मानव का सुपर किक, अब ये है मानव का वन एल्बो बॉक्स, भीषण। अब ये है फाइनल काउंटडाउन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये मेहर तूने ऐसा क्यों किया? अभी तो बस 10 गिनना बाकी था रेफरी को, और फिर मैं जीत जाता। मानव ये कोई बात नहीं हुई, और अगर हराना है तो असल में खेल के हराना। दूसरे प्लेयर का जॉयस्टिक नीचे पड़ा हुआ है और तू ऐसे ही ढिशुम ढिशुम मार रहा है। तो मेरा गेम खत्म होने तक तू नहीं रख सकती थी, तो इसमें इतना भड़कने का क्या है? क्योंकि दूसरा प्लेयर मोंटू था, और मैंने उसे पीट पीट के जमीन पे गिरा दिया था, और वो बस हारने वाला था, लेकिन तूने पूरा गेम बिगाड़ दिया। क्या बात है, वेरी गुड।
क्या बात है, तूने तो कमाल कर दिया मानव। मोंटू को उठा के पटक दिया और उसे पता भी नहीं चला। क्या बात है, मेरा मजाक उड़ाना बंद कर। तो तू भी मोंटू को झूठ मूठ में हराना बंद कर। देखना एक दिन मैं सच में उसे उठा के पटक दूंगा। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ कि तू ऐसा कब करता है। और रही बात वीडियो गेम में हराने की, सबसे पहले मुझे हरा के बता तो मैं मानू। बच्चू ठीक है, मैं आ जा मैदान में। हाँ, लेकिन ये गेम नहीं, दूसरा गेम। ओके, रॉकी मानव महर, हम लोग सत्संग के लिए बाहर जा रहे, बच्चों का ख्याल रखना। हाँ, मैं सब ख्याल रखूंगा। सॉरी। अरे क्या रॉकी, हाँ सारा दूध बॉईल कर दिया। हाँ बॉईल नहीं माँ, स्पॉइल कर दिया। हाँ वही, सेम टू सेम। कोई बात नहीं, मैं साफ करता हूँ। एक मिनट रॉकी भैया, मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। अभी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है दादाजी? हम लोग भाग रहे हैं। लोग नहीं, ये वीडियो गेम वाला भाग रहा है। मैंने देखा है, जब से ये वीडियो गेम आई है ना, दोनों जन उसके सामने चिपक के बैठ जाते हो। अरे इस तरह सेहत बनती है? जब सेहत बनानी है ना, तो बाहर खुली हवा में खेलना चाहिए, उछल कूद करना चाहिए। है? हम लोग के जमाने में हम लोग एक खेल खेलते थे। है? वो कौन सी गेम थी? गिल्ली डंडा। अच्छा, वो गिल्ली लेते थे ऐसे, गिल्ली, फिर गिल्ली को इधर ऐसे रखते थे। हे बापू जी, अटकने वाले हैं। फिर ऐसा डंडा हाथ में लेते थे और डंडे से ऐसे मारते थे और फिर गिल्ली जाती थी हवा में। अटके, बापू जी अटक गए हैं। पकड़ ली गिल्ली। नहीं नहीं नहीं, और उसके बाद हम लोग वो आम खाते थे, मालूम है ना आम? बस बस, अब बस कीजिए, आप वायर्ड हो जाएंगे। वायर्ड, टायर्ड। बापू जी, माँ का कहना है टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे आप। आपको वो सत्संग में भी जाना है ना अभी? तो जाते हैं ना सत्संग में, जाते हैं अभी। एक मिनट, ये क्या पागल दौड़ी में आपने कुर्ता फाड़ लिया? चलिए दूसरा पहनिए। बेटा अभी कुर्ता बदल के आता हूँ। ये देखो मैं सारा सामान लेकर आ गया हूँ। थैंक यू बल्लू, लेकिन अब दूध का क्या करूं? रॉकी चाचू से सारा दूध गिर गया है। कोई बात नहीं, मैं मानव या मेहर में से किसी को भेज देती हूँ बाजार। मानव मेहर? माँ मैं ही दूध लेकर आया था। वो क्या है ना, मुझे बाजार जाना बहुत अच्छा लगता है। है कितने आदेश, कितने संदेश पहुंचाना है रानी परी तक। अरे कितने आदेश, कितने संदेश है बुलाना मुझे बाल परी को रानी महल में। चल जल्दी जल्दी, डुबा डुबा एक। भाई क्यों बज रही मेरे कानों में चिड़ियों की चूचू? अरे दिख रहे मुझे दिन में तारे क्यों यूं? अब आया होश मुझे। है हो रहा मेरा बुरा हाल, लगता है पहुंच गया मैं पाताल। बेताल तुम्हारी चाल, इसलिए हुआ तुम्हारा ये हाल। क्या करता मैं, थक गया देते देते परियों को संदेश, कहने लगे पैर अब मत दो आदेश, मत दो आदेश। हाँ याद है आदेश से, ये अभी भी काम बाकी है, बुलाना मुझे बाल परी को रानी महल में, है ये रानी परी का आदेश। भीषण, भीषण,
यस यस कम ऑन मैर, अब तू मुझसे नहीं जीत सकती। मानव अब मेरी बारी है, देख मेरी उंगलियों का कमाल। बाल परी, बाल परी, बाल परी, बाल परी, क्या है हो तुम बाल परी? नहीं। तो क्यों दे रहे हो जवाब? रखो अपना मुंह बंद। बाल परी, बाल परी नहीं है यहाँ बाल परी। अरे डूबा डूबा दो, बताना चाहिए था मुझे पहले, कब से मैं भाग रहा हूँ यहाँ वहाँ। अरे मैं भी तो कब से भाग रहा हूँ यहाँ वहाँ तुम्हें बताने के लिए कि बाल परी है नहीं यहाँ। तो बताना चाहिए मुझे मेरे रुकने के बाद। तुमने तो कहा था मुंह बंद रखने के लिए। है कहाँ बाल परी? वो तो उड़ के गई है परीबाग। अरे आ रहा हूँ मैं अभी अभी वहीं से, अब जाना पड़ेगा मुझे फिर से वहाँ। डूबा डूबा दो, हो तुम मेरा मित्र, क्या दे सकते हो तुम मेरा संदेशा बाल परी को? नहीं। डूबा डूबा दो, नहीं नहीं, क्योंकि मुझे बाल परी ने कहा है यहाँ रुकने के लिए। हाँ तो तुम रुक जाओ यहाँ पे, मैं जाता हूँ बुलाने बाल परी को। बाल परी, नौ लाख 99,999। ये क्या कर रहे हो? तौबा तौबा, है ये गिनती उन थप्पड़ों की जो मारे हैं अब तक आपने मुझे? थप्पड़ की गिनती करके क्या साबित करना चाहते हो? अगर साबित ही करना है तो ये साबित करो कि बकवास करने के अलावा तुम मेरे किसी काम के भी हो। जो कर नहीं पाई आप अब तक साबित, वो कैसे करूंगा मैं? ये मत भूलो तौबा तौबा कि वो मैं ही हूँ जो रानी परी और बालवीर का खात्मा कर सकती है। बस इसके लिए मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो बिना चूके, बिना किसी गलती किए मेरी साजिश को पूरा करे। वो नहीं चुकता कभी, वो नहीं करता गलती कभी, पर हर बार है चुकती आप अपने वार में और हरा देता है हर बार बालवीर आपको। हो गए पूरे थप्पड़ 10 लाख। बस अब नहीं सहूंगा मैं। बस परी भयंकर, बस बस बस। अच्छा बस। क्या करोगे तुम? क्या कर सकता हूँ मैं? अब मैं करूंगा कुछ ऐसा जिससे नहीं थपाएगी आप मेरे गाल, बल्कि थपथपाएगी मेरी पीठ। देंगे मुझे शाबाशी। बोलिए है क्या करना मुझे? अच्छा तो ठीक है, जाओ और जाकर बालवीर का दंड चुरा कर लेकर आओ, और अगर नहीं लाए तो अपना ये मनहूस चेहरा वापस यहाँ भयानक लोक में मत लाना, कहीं और चले जाना। है कसम मुझे 10 लाख थप्पड़ों की, चुरा कर ही रहूंगा मैं बालवीर का जादुई दंड। फिर करना तारीफ आप इस खूबसूरत चेहरे की, फिर बनाऊंगा मैं आपको प्रधान इस भयानक लोक का। इतना तो एहसान कर ही सकता हूँ मैं आपके ऊपर, मतलब है बनना मुझे आपका प्रधान। अब हो जाता मैं। We'll be right back.
रानी परी, तुम्हें मेरा ये शेर बहुत पसंद आएगा। बाल परे, बाल परे! हुई किसकी हिम्मत डुबा डुबा एक को पत्थर मारने की? है कौन वो? हम तुम कर रहे हो तुम बगावत अपने ही कप्तान से, अपने सबसे बड़े नेता से? अरे नहीं नहीं डुबा डुबा, फेंके पत्थर हम कर रहे थे उस फल को तोड़ने की कोशिश। ऐसे हाँ हेटिक हेटिक, लेकिन तोड़ क्यों रहे तुम ये फल? है नटखट परी का ये आदेश, उन्हें चाहिए ये फल उनकी प्रयोगशाला के लिए। अरे हाँ, हे देना मुझे भी संदेश बाल परी को कि है बुलाया रानी परी ने उन्हें। बाल परी? हाँ। बाल परी तो अभी उड़ के गई हैं चांदनी महल। क्या? हाँ। अरे हो गया हूँ मैं परेशान, मैं भी यहाँ वहाँ भाग भाग के, मैं भी। चलो हूँ जाता, मैं देना है मुझे संदेश बाल परी को, मैं भी। अच्छा तो जाओ जाओ जाओ। नहीं 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 डूबा डूबा, एक थक गया हूँ मैं भी तुम्हारी तरह, करो हमारी मदद। हमारी भी इस फल को तोड़ने में, क्योंकि हो तू सर्वश्रेष्ठ। बुद्धिमान, सर्वशक्तिशाली, हमारे नेता, हमारे गुरु, हमारे कप्तान। बस बस सोचने का वक्त नहीं है डूबा डूबा एक। ये फल तोड़ने के बाद है बहुत सारे काम, जैसे लाने हैं वो झरने से बड़े बड़े काले काले पत्थर, रानी महल की सीढ़ियों की सफाई, हाँ लानी है जड़ी बूटिया, परियों के पंखों की सफाई। शांत डुबा डुबा शांत। बाप रे, इतने सारे काम और हम इतने कम? हाँ, तक काम करते करते लेकिन खत्म नहीं हुई काम की सूची, लग गया इसमें ही पूरा दिन, और नहीं हुआ तो पूरी रात भर जग के करना पड़ेगा हमें ये सब काम। अरे हाँ, फल तोड़े के नहीं, माग रही है नटखट परी। डुबा डुबा करो, फल तोड़ने में हमारी भी मदद है। ठीक, कर देता हूँ मैं तुम्हारी मदद पहले। लेकिन तोड़ोगे तुम लोग ये फल पत्थर से तो लगेगा बहुत समय। हाँ, है मेरे पास एक दूसरी योजना। हाँ, जैसे पृथ्वी लोक पे गोविंदा के त्योहार में मटके फोड़ने के लिए लोग एक के ऊपर एक खड़े होके फोड़ते हैं मटकी, अरे क्यों ना हम भी चढ़े एक के ऊपर एक और फोड़े ये फल। देखना चचू, ये मुझे फोन मिल गया, मैं जीत गई, याहू, मैं जीत गई। चचू आप बार बार पार्टी क्यों चेंज कर रहे हो और हारने वाले पार्टी में क्यों जा रहे हो? मैं यही ठीक हूँ। ठीक है, मैं जीती हूँ। तू कैसे जीती है? अरे मेरे पॉइंट्स देख, तेरे पॉइंट्स कम है, मेरे पॉइंट्स ज्यादा है। देख मेरे पॉइंट्स ज्यादा है, तुझे दिखता नहीं है ये चश्मा? अरे तुझे दिखता है? बस बहुत हो गया ये खेल, तोड़ो डुबा डुबा चार, तोड़ो। डुबा डुबा एक, तुम तो नीचे आ गए और फल तो ऊपर रह गया, फिर से करे क्या गोविंदा? नहीं, बहुत हो गया ये, चल
नहीं चाहिए ये फल, बस बहुत हो गया ये अत्याचार। बुलाओ सब डुबा डुबाओं को, जाओ भाइयों डूबा डूबा भाइयों, है थक गए हम चलते चलते, टूट गए हम गिरते गिरते, संदेश कभी परियों के खत्म नहीं होते, है दूर बहुत ठिकाने और हम उड़ नहीं पाते। है सही, बिल्कुल सही। शांत डूबा डूबा भाइयों शांत, देखिए देखिए है नहीं हमें कोई परेशानी काम से, लेकिन हम उड़ नहीं सकते परियों की तरह और ना ही पृथ्वी लोक की तरह, है कोई हमारे पास नई तकनीक, पहुंची है दुनिया चांद पे, लेकिन है नहीं बचे हम किसी काम के, है सबके पास कोई ना कोई हल, लेकिन है क्या हमारे पास, है क्या हमारे पास, क्या हमारे पास, चांद है हमारे पास, माँ 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 माँ, रानी परी है हमारी माँ, करूंगा मैं उनसे दरख्वास्त, रखूंगा मैं हमारा दर्द उनके सामने, निकालेगी वो जरूर कोई ना कोई हल हमारी समस्या का, नहीं तो करेंगे हम सत्याग्रह, डूबा डूबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाहिए हमें नई तकनीक, नई तकनीक, नई तकनीक, नई तकनीक, नई तकनीक, नई तकनीक। ये नई टेक्निक ने तो तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, जब देखो तब यही खेलते रहते, इसके सिवा और कोई सोचता ही नहीं है तुमको। बापूजी समय के साथ चलना चाहिए। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि समय के साथ चलना चाहिए, पर यहाँ पर देखो सब सोफे पे बैठे ऐसे। बापू जी समय के साथ चलना चाहिए मतलब सत्संग में जाने को देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। मैं अटक गया हूँ। क्या लगता है बाबूजी की बोन लॉक हो गई है, चलो लॉक की चाबी ढूंढते हैं। क्या चाबी ढूंढते हैं, मैं क्या चाबी से चलने वाला खिलौना हूँ, और इस तरह खड़े क्या हो, हिलो। रॉकी क्या कर रहा है तू, मुड़े मुड़े बाबूजी ने कहा हिलो, इसलिए मैं हिल रहा। अरे रॉकी भैया ऐसे नहीं, अपनी जगह से हिलो बापूजी को हिलाने के लिए। दादाजी महेश खींचिए। अरे बाबूजी, अरे खींचो बच्चों। अरे आप कितना खींचे। डो 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 भाभी मुड़ भाई, डो डो मुझे अटकने से बचा दिया, वाह वाह वाह। अरे महेश, भाई तेरी माँ वहाँ सत्संग में हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ, चलो चलिए 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 चलिए। बाबूजी बाबूजी एक मिनट एक मिनट, मैं वो आइस तो निकाल दूँ। एक मिनट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो 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 बाबूजी। क्या बात है डूबा डूबा? होगा अच्छा अगर आप ना पूछो ये सवाल। पर बताओ तो क्यों है तुम्हारा सर झुका हुआ? होगा अच्छा अगर आप ना पूछो ये सवाल। अरे डूबा डूबा बताओ तो क्यों हो तुम नाराज? होगा अच्छा अगर आप ना पूछो ये सवाल। ठीक है
अगर तुम कहते हो तो नहीं पूछेंगे तुमसे ये सवाल। नहीं नहीं है नहीं वो मेरा मतलब, हूँ मैं चाहता आप पूछो ये सवाल, लेकिन हूँ मैं चिंतित कि कैसे रखूँ मैं मेरे मन की बात आपके सामने। डूबा डूबा मत रोको अपने आप को और बताओ क्यों तुम चिंतित हो। रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, है आ गया वक्त अपनी आवाज उठाने का और है आ गया वक्त नई तकनीक इस्तेमाल करने का। चलते चलते थक गए पाव हमारे, है निकल रहा मुंह से दम और पड़ गए पाव में छाले। है परिया सारी जादू परी, कर सकती अपना काम बड़ी आसानी से अपने जादू से और अपने पंखों की मदद से। है पृथ्वी लोक में तकलीफ भारी, सब है कर सकते अपना काम बड़ी आसानी से, पर होती है हमें अब भी मुश्किल हर काम करने में, क्योंकि ना ही है हमारे पास परियों जैसा कोई जादू और ना ही है हमारे पास पृथ्वी लोक की कोई तकनीक। छोटे पाव छोटा कद है मिला हमारी बदकिस्मत से, लेकिन किंतु परंतु अब नहीं सहेंगे हम हाल, बदलनी होगी हमें अपनी चाल। गति और ऊंचाई से नहीं डरते हम, आंधी हो या तूफान हम में भी है दम। इसलिए अब धरने धरो, मोर्चे धरो, अनशन करो और हमारी मांगे पूरी करो। हाँ हाँ हमारी मांगे पूरी करो, हाँ हाँ हमारी मांगे पूरी करो। वो मैं मन की बात कह रहा था, माफ कीजिए रानी परी। डूबा डूबा तुमने अपनी बोली से हमारे सामने समस्त डूबा डूबा परिवार का दर्द रखा है और हम तुमसे सहमत हैं कि तुम्हें जरूरत है एक नए जादू या तकनीक की जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो सके, और तुम्हारी ये परेशानी दूर रखने की जिम्मेदारी हम नटखट परी को सौंपते हैं। आपकी आज्ञा सर आंखों पर रानी परी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई हूं डूबा डूबा की इस परेशानी का हल कैसे निकालूं। काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है नटखट परी कि आप इसका हल निकाल लेंगे। जो आ गया रानी परी। हाँ हाँ है आपके पास ही हमारे समस्या का हल नटखट परी, कीजिए हमारे समस्या का समाधान, मदद कीजिए नटखट परी, वरना हम नहीं रहेंगे किसी काम के। जरूर डूबा डूबा, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। सही जम सही, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी परी ने एक कैसी मुश्किल जिम्मेदारी मुझे सौंप दी, डूबा डूबा के चलने की तकलीफ कैसे दूर करूं। होना ही था, पृथ्वी लोक पे ही मिलना था डूबा डूबा की समस्या का हल, अब होगा नई तकनीक का आविष्कार। जंप स्ट्राइक, कीजिए आप अपना काम, कीजिए कीजिए। ये फूल ये किस लिए है? ये सब आपके लिए, होगा प्रसन्न वातावरण फूलों की खुशबू से और दौड़ेंगे आपके दिमाग के घोड़े और तेजी से।
धन्यवाद डूबा डूबा, इन्हें यही रख दो। कीजिए आप अपना काम। नटखट परी, ये क्या है? है ये शीतल मीठा जल, पीकर इसे महसूस करोगी आप निर्मल, और दौड़ेंगे आपके दिमाग के घोड़े हर पल। तुम सब कितने अच्छे हो डूबा डूबा, मेरा कितना ख्याल रखते हो, धन्यवाद। बस करो सरेगा, बस करो डूबा डूबा, ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो? अब गा रहे थे हम सुरीला संगीत, ताकि प्रसन्न वातावरण में और सुरीली धुन में लगे आपका मन काम पे और दौड़े आपके दिमाग के घोड़े। अच्छा, तो तुम सब मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ाना चाहते हो, है ना? पता है डूबा डूबा, तुम्हारे संगीत की वजह से मेरे दिमाग के घोड़े इतनी तेज दौड़े कि वो भाग गए और अब वो वापस ही नहीं आ रहे। तुम सब लोग मुझे मेरे काम में ध्यान ही नहीं लगाने दे रहे। माफी चाहते हैं नटखट परी, बस चाहते थे हम हमारी समस्या का हल। हाँ, मैं वादा करती हूँ डूबा डूबा, तुम्हारी समस्या का हल जरूर निकालूंगी। हाँ। लेकिन उसके लिए तुम सब थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़े हो जाओ और मुझे मेरे काम में ध्यान लगाने दो, तभी तो मेरा कार्य पूरा होगा। नाम है मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र। मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र, मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र। डूबा डूबा, तुम्हें अब इसे पहनना है। नटखट परी, कर लीजिए एक बार प्रयोग और वरना हो जाएगा मेरा जीवन बेकार। डूबा डूबा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, चलो इधर आओ। ये हुई ना वीरों वाली बात। तो डूबा डूबा तैयार? तैयार। ये लो। नटखट परी, आ गया मैं बहुत ऊपर। डरो मत डूबा डूबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुम्हें पता है, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या।
ये बड़ी खुशखबरी है, देना बालवीर को जरूरी।